माई सेल्फ करण सिंह IIT ग्रेड्स SIR नेट EIR 40 यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल केमिकल गुरु। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स, इससे पहले क्लास क्या है एक्चुअली, ये SIR नेट और IIT गेट के लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा था, जिसमें से ये हमारा मेटल कार्बोनिल चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का मेटल कार्बोनिल है ना एंड क्लस्टर्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इससे पहले हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट कर दिया था और इस चैप्टर में भी हमने पार्ट 3 अपलोड कर दिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उन पार्ट को कम्प्लीटली देख लें ताकि आपकी थोड़ी हेल्प मिले। इसके बाद फिर इसके में क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व कराऊंगा। और इस पार्ट में मैंने जो अभी तक करवा दिया है, जैसे हम कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बैक पाई बॉन्डिंग क्या है, इसके अलावा हमने देखा था कि उनका क्लासिफिकेशन क्या है, HNCC क्या है, LNCC क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें करवा रखी हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में P31NMR C13NMR H1NMR ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्क्राइब की, बैंड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स। तो देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनिल्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, तो एक एक करके हम इसके मेथड्स देखते हैं मेटल कार्बोनिल्स के प्रिपरेशन की। सबसे पहला इसका जो फर्स्ट मेथड है वो आपका डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन करा करके आप जो है डायरेक्ट रिएक्शन करा के किसकी, कार्बोनिल के साथ अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो भी आप मेटल कार्बोनिल्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ डायरेक्ट रिएक्शन के लिए, सपोज दैट आपने क्या किया, NI ले लिया, निकिल ले लिया प्लस और 4CO के साथ रिएक्शन की, यहाँ आपने देखा 1 bar प्रेशर ले लिया, 25 degree Celsius टेम्परेचर ले लिया और यहाँ से देखो NiCO का होल पूर, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट रिएक्शन है, सीधा आप डायरेक्ट कार्बन का रिएक्शन करवा देंगे और यहाँ से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कभी कभी रिएक्शन डायरेक्ट दे देता है, प्रोडक्ट क्या होगा ऐसे पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं जैसे और भी एक दो रिएक्शन हैं, जैसे ले लो Fe है ना, यहाँ से हमने ले लिया 5CO और यहाँ हमने सपोज ले लिया 100 bar प्रेशर, सपोज नहीं ये फिक्स है, यहाँ ले लिया 150 degree Celsius टेम्परेचर, ये बन जाएगा FeCO का होल 5। तो इस तरह से ये डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा भी यहाँ देख रहे हैं मेटल कार्बोनिल डायरेक्ट आपका मेटल के साथ अटैच होकर के प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, निकल टेट्रा कार्बोनिल हो गया, आयरन पेंटा कार्बोनिल हो गया, इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। इसके बाद हम देखो सेकेंड की बात कर लेते हैं, सेकेंड हमारा मेथड क्या है, इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड है, सेकेंड हमारा रिडक्टिव इसको हम कहेंगे रिडक्टिव कार्बोनिलेशन मेथड है, थर्ड हमारा फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन मेथड है, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं सेकंड की, क्या कहेंगे, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन मेथड है, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन है ना, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन यहाँ लगा देना बाय है ना, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन के द्वारा, देखो एक वर्ड यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रिडक्टिव कार्बोनिलेशन मीन्स यहाँ दो चीज़ें आई हैं डेफिनेटली है, एक तो रिडक्शन है और एक कार्बोनिलेशन है, रिडक्शन है और कार्बोनिलेशन है मीन्स यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है और कार्बोनिल ग्रुप का अटैचमेंट भी हो रहा है, दोनों बातें यहीं से क्लियर हो रही हैं। अब देखो एक एग्जांपल जनरल बेसिकली बात लेते हैं, बेसिक में हमने क्या किया, जैसे हमने देखा यहाँ से M और Cl3 और प्लस एक बात और समझना, इसमें भी दो बातें होती हैं, जैसे हम फर्स्ट हम कह सकते हैं बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के यूज करके बना सकते हैं, तो हमने फर्स्ट इसमें ले लिया बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, ठीक है। और इसमें दूसरा है बी पॉइंट हम कह सकते हैं CO इट्सेल्फ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, CO अपने आप में खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, CO इट्सेल्फ एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में जनरली हम जैसे ले लेते हैं एल्युमिनियम हुआ, Na सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इस तरह से भी ले सकते हैं, जो हमारे थोड़े से रिएक्टिव मेटल हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, वो हमारे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उन्हें हम लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया, जनरल रिएक्शन है, यहाँ से देखा कि MCl3 प्लस हम रिएक्शन करा देते हैं एल्युमिनियम के साथ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, प्लस
यहाँ से हमने ले लिया NCO कार्बन ग्रुप है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका बन जाएगा N और CO का होल N प्लस। होता है कि एक्चुअली ये एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ग्रुप में वर्क करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट ग्रुप में ये क्या करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो ये मेटल, अभी देखो यहाँ पर मेटल किस स्टेट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेटल है वो +3 स्टेट में है, +3 स्टेट में। जब ये क्या होगा, मेटल ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम से ले लेगा, तो ये जो मेटल है आपका मेटल 0 स्टेट में हो गया। यहाँ पर मेटल किस स्टेट में है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, तो जब +3 से 0 हो रहा है क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। ध्यान रखना कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो वहां जो +3 है यहाँ पर 0 हो गई, रिडक्शन हो गया। साथ साथ में एक बात देखो, यहाँ से Cl नेगेटिव निकले होंगे 3Cl, ये Cl एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके ये बनाएंगे AlCl3। तो ये तो हम बेसिक रिएक्शन ले ली थी, जनरल रिएक्शन है, तो हम एक्चुअली रियल रिएक्शन एक्चुअल रिएक्शन लेके देख लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया CrCl3 प्लस एल्यूमिनियम से रिएक्शन की, और प्लस यहाँ से हमने ले लिए 6CO कार्बन मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो यहाँ देखो वही कंडीशन सेम है, एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ये अब क्रोमियम यहाँ पर +3 में 0 में आएगा, तो यहाँ से बनाएगा ये Cr और CO का होल 6 प्लस। यहाँ से ये क्या करेगा, अब ये जो आपका एल्यूमिनियम है Cr से रिएक्शन करके यहाँ से बनाएगा AlCl3। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करके और किस तरह से हमारा मेटल कार्बन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद देख लेते हैं और भी हमारे पास रिएक्शंस हैं, जैसे मैं बात करता हूँ तो Fe, ठीक है, यहाँ से हमने लिए सपोज दैट Fe आयरन के साथ अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, आयरन के साथ वाली मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम की रिएक्शन है MO और Cl5 है ना प्लस Na। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये एक्चुअली +5 स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके मुझे खत्म करना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ये लूज करना है, तो यहाँ 5 Na ले लिए प्लस यहाँ पर 6 हमने CO ले लिया, कार्बन ग्रुप है ये, CO दोनों बराबर का बनाना। और अब क्या होगा, देखो MO और यहाँ से करेंगे तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na लूज किए तो क्या होगा, MO यहाँ पर +5 स्टेट में है, यहाँ +5 में है तो आगे क्या होगा, 0 में होगा, तो 0 में होगा, तो यहाँ से हो जाएगा MO, ये बन जाएगा CO का होल 6 प्लस 5NaCl। तो ये इस तरह से हम लोग, ये सिंपल तरीका है कि जिससे मेटल Na की हम कह सकते हैं बाई रिडक्टिव कार्बोनिलेशन, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको याद रखना, ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि रिडक्टिव कार्बोनिलेशन, और डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जाएगा रिडक्टिव कार्बोनिलेशन क्या है, इस तरह से रिएक्शन डायरेक्ट दे रखी होगी कि इसका ये पार्ट क्या होगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखते CO itself act as reducing agent, और CO जो अपने आप में खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करके भी क्या होता है, कार्बन कंपाउंड को बनाता है। तो यहाँ देखो मैं बात कर लेता हूँ, सपोज दैट हमने ले लिया OS O4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ना, तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है इसके साथ मैं रिएक्शन करा देता हूँ प्लस CO की, तो यहाँ से क्या होता है, प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो OH3 और CO का होल ट्वाइस प्लस 4CO2 बन जाता है। यहाँ लगभग हम कह सकते हैं 16 यहाँ पर CO लिया, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑस्मियम की अगर देखो तो यहाँ पर किसमें +8 स्टेट में ऑक्सीजन है ना, ऑस्मियम है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये ऑस्मियम जो है इसका यूज किया जाता है एज ए, हम कह सकते हैं कि किसके रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर +8 और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो गई 0, तो हो गया रिडक्शन, और रिडक्शन भी हो गया साथ ही साथ क्या हो गया, कार्बोनिलेशन भी हो गया। तो इस तरह से जो है हम इजिली जो है इन मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, आराम से हम क्या बना सकते हैं, मेटल कार्बोनेट्स का प्रिपरेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन है फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसके द्वारा भी हम मेटल कार्बोनेट्स बना सकते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे जैसे बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जाकर बन जाते हैं, ठीक है, जनरली हमारे क्या होते हैं बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनते हैं और टेट्रा न्यूक्लियर भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये हमने जैसे लिया है FeCO का होल 5 ले लिया, ठीक है,
तो देखो FeCO ओल्फाइन में यहाँ से हमने क्या किया, इसमें आगे आप टू ले लेंगे, ठीक है टू ले लेंगे, तो इसके इसमें क्या होगा कि यहाँ से Fe2CO का होल नाइन बन जाएगा प्लस वन CO यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसी तरह हमने इसमें देखो CO2CO का होल एट ले लिया, ठीक है तो यहाँ पर देखो CO4 बन गया, CO का 12 प्लस 4 CO, तो यहाँ पर जो है इस तरह से रिएक्शन, इसको हमने हीट कर दी, हीट करने पर ये रिएक्शन इस तरह से हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जैसे इसमें तो हीटिंग हो गया ना, थर्मल, ये हो गई थर्मल रिएक्शन जो हमने सिंपल हीट कर दी। और ये HNU का मतलब होता है ये फोटोकेमिकल, है ना, लाइट, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये दो आप याद इनको रख सकते हैं, ठीक है। आयरन पेंटा कार्बन वाला और आपका CO2 और CO का होल 8 वाले रिएक्शन से हम कैसे मेटल कार्बोनेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सीधी बात देखा जाए तो यहाँ मेटल कार्बोनेट से ही मेटल कार्बोनेट्स को ऑब्टेन कर लिया गया। अब यहाँ पर एक मेन जो आता है, अगला नेक्स्ट डिस्कशन है कि इनकी रिएक्शन क्या है, मेटल कार्बोनेट्स की, मैं रिएक्शंस की बात करूंगा, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्या है कि इनकी जो रिएक्शंस की हम बात करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शंस कुछ मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। तो फर्स्ट है हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ऐसी रिएक्शंस जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, इसको हम SN2 मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं, वैसे कौन कौन सा होता है ये मैं आपको बता दूं, आइडिया दे दूं कि एक तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो जाता है, फिर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो जाता है, और फिर इसके बाद जो है आपका एक्टिवेशन टाइप रिएक्शंस हो जाती हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि कोलमैन रिएजेंट बेस्ड रिएक्शंस हो जाती हैं। तो ये इस तरह से इसकी रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब पहले हम सबसे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म रिएक्शंस कैसे होती हैं, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। एसोसिएटिव मैकेनिज्म में नंबर एक पहली बात हम कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ एक्सटर्नल लिगेंड, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ एक्सटर्नल लिगेंड, इसमें ये बात याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन ऑफ एक्सटर्नल लिगेंड, एसोसिएशन ऑफ एक्सटर्नल लिगेंड, यानी कि एक्सटर्नल लिगेंड का क्या होगा, एसोसिएशन होगा सबसे पहले। और एक और खास बात याद रखना कि इसमें जो है ये जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं 16 और 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज गिव दिस रिएक्शंस, ये रिएक्शंस किसके द्वारा दी जाती हैं, आप कह सकते हैं कि 16 and 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, 16 and 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज गिव सच रिएक्शंस, एसोसिएटिव मैकेनिज्म वाली जो रिएक्शंस हैं ये आपके 16 और 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो थर्ड स्टेप में हम कह सकते हैं कि तीसरी बात जो है बाद में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड, पहले एसोसिएशन होता है, इसके बाद क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड, डिसोसिएशन ऑफ इंटरनल लिगेंड, ठीक है, इंटरनल लिगेंड का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है इंटरनल लिगेंड। तो बेसिक मैकेनिज्म को बहुत अच्छे समझ लो कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो स्पीसीज होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए या फिर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हमारा जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या फिर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दूसरी बात क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है में क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सटर्नल लिगेंड है उसका एसोसिएशन होगा, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ जाएगा तो फिर इंटरनल लिगेंड का डिसोसिएशन हो जाएगा। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाते हैं, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया VCO का होल 6 ले लिया, ठीक है, और मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ, सपोज दैट हमने ले लिया PPH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब देखो क्या बनेगा इसकी, मान लो इस तरह से रिएक्शन दे दी गई और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सबसे पहले देखो वैनेडियम कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है, ये कितने हो गए, 12 हो गए, टोटल मिलाकर के 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। अब 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो सबसे पहले क्या होगा, एसोसिएशन होगा, फिर डिसोसिएशन होगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो वी के साथ अगर हम बात करें तो वैनेडियम जो इस तरह से होता है, ये होता है वैनेडियम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, CO CO
CO और ये CO और एक यहाँ पर CO। अब क्या होगा, तो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे हम PPS3 से रिएक्शन कराएंगे PPS3, और PPS3 में क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैच होंगे आकर के एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी V के साथ, एक तो ये कंडीशन होगी और इसके साथ ये यहाँ से CO और ये CO, ये CO यहाँ से। इसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पर PPS3 और ले आएगा आगे। अब एक बात देखो, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहाँ पर था, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, बोलो 2 और एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हो गया 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो स्टेबल नहीं होता है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज स्टेबल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये अटैच हो गया आकर के, तो इसलिए इसमें से कोई सा एक जो है हम कह सकते हैं लिगेंड यहाँ पर डिसोसिएट होगा, एक लिगेंड का डिसोसिएशन हो जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वी बन जाएगा, वी के साथ ही इस तरह से, ठीक है, एक तरफ लगा लो आप PPS3 और बाकी आपके CO इस तरह से जो है CO और CO, यानी कि इसने जो है देखा जाए तो कौन सी एसोसिएटिव मैग्नेट को फॉलो किया, और फाइनली फिर से 617 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपका बन गया, ठीक है, क्योंकि 12, 5, 17 और ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो इस तरह से ये है एसोसिएटिव मैग्नेट, ऐसे ऐसे फॉलो ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इंटरमीडिएट भी पूछ दिया जाता है कि एसोसिएटिव मैग्नेट के द्वारा प्रोडक्ट ये बन रहा है, इसका इंटरमीडिएट क्या हुआ है ना, कहीं इंटरमीडिएट PPS3 को लगा देगा, कहीं दो PPS3 लगा दे, कहीं कुछ भी कर दे, कहीं वैकेंसी क्रिएट कर दे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एसोसिएटिव, हम बात करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते ज़्यादा नहीं लगे, बस कॉन्सेप्ट पे आप कमांड बनाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की, ठीक है, ये थी एसोसिएटिव मैकेनिज्म, और इसके बाद देखते हैं देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, सेकंड था हमारे पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है और डिसोसिएटिव। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रहा था ये काफी स्लो स्टेप हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना, और ये आपका हो जाता है SN1, ठीक है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म देख लेते हैं। और खास बात इसमें क्या है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने चाहिए, पहली बात तो यही है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट है जो अभी पहले देखा था एसोसिएटिव वाला, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए, और पहले क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, पहले डिसोसिएशन होगा, इसके बाद एसोसिएशन होगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे आप सपोज दैट आपने FeCO का ले लिया होल पाइप प्लस PPS3 से आप रिएक्शन करा रहे और पूछ दिया गया इसकी मैकेनिज्म समझाइए, मैकेनिज्म के द्वारा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो आयरन में कितना होता है, आयरन में होता है 8 + 10 = 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ओके कोई बात नहीं है। अब हमने इसको देखो बनाना स्टार्ट किया, तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, FeCO का होल 5 है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये CO और यहाँ पर ये CO, ये CO। अब क्या होता है प्लस इसके साथ, अब ये PPS3 डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, पहले क्या होगा एक CO यहाँ से रिमूव होगा, एक CO रिमूव होगा यहाँ से, रिलीज हुआ एक CO, और CO जब रिलीज होगा तो अब ये कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी CO, एक ये CO बन गया, CO बन गया यहाँ से CO, और एक ये CO, यहाँ पर ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, देखो ये हो गया आपके पास 4, 2 या 8 और 8, 16, अब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब देखो यहाँ से अगर पूछा जाए कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनता है इंटरमीडिएट, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एज ए इंटरमीडिएट के रूप में काम करती है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे थे ना, अभी मैं करवाऊंगा बाद में। तो अब क्या हुआ, आप PPS3 को ले लो, ठीक है, PPS3 से रिएक्शन की, जैसे PPS3 किया तो ये PPS3 यहाँ पर अटैक करेगा आके, और आपका आराम से ये प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, ये इस तरह से यहाँ जुड़ जाएगा आपका PPS3 और यहाँ पर CO और इस तरह से CO और ये CO, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट फिर से आपका क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। देखो ये एक बात और ध्यान रखना कि हमने अभी देखा था एसोसिएटिव मैकेनिज्म में अगर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लेकर के चले हैं तो फाइनली 16 ही बन रहा है, और 17 लेकर के मैं चला था तो 17 ही बना हुआ है। इसी तरह इसमें 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में यहाँ से लेके चला था, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लेके चले
और 18 बीच में 16 हुआ, फिर से फाइनली क्या हो गया 18, तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से हम रिएक्शंस की अभी एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव मैग्नेट को समझते हैं। और देखो हम इसके बाद थर्ड देखते हैं एक्टिवेशन टाइप रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है। देखो कैसे, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इस तरह की रिएक्शन। जैसे हम कहें यहाँ से हमने एक एग्जांपल लिया है CrCO का होल 6 और प्लस इसकी हमने रिएक्शन की है CH3CN के साथ। ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए, तो 3 मॉलिक्यूल जब इसके लेंगे तो यहाँ से 3CO निकल जाएंगे। ठीक, और जैसे CO निकलेंगे तो यहाँ से बन जाएगा जाके हमारे साथ CR, इसके साथ ये N ट्रिपल बॉन्ड CC के साथ CH3, यहाँ बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड CC के साथ CH3, और ये N ट्रिपल बॉन्ड CC के साथ ये CH3, और ये 3 जो है आपके क्या थे, CO यहाँ पर लगी हुई थी। अब देखो इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, अब मैं अलग अलग, ये आपने एक तरह से इंटरमीडिएट टाइप का बना लिया, इसके बाद हम अलग अलग कुछ और हम रिएजेंट लेते हैं, इनके साथ रिएक्शन कराते हैं। जो अलग अलग मैं केसेस लेता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट केस ले लिया। तो ध्यान से देखना, यहाँ से सपोज दैट हमने इसकी रिएक्शन बेंजीन से करा दी, समझना। और अगर मैंने बेंजीन से रिएक्शन करा दी तो एक बात सोचो, बेंजीन की जो एप्टासिटी मैक्सिमम कितनी होती है, η6। तो बेंजीन चाहेगा कि अपने η6 मोड में रहे। जैसे मैंने बेंजीन से रिएक्शन की तो मालूम क्या हुआ, बेंजीन ने क्या किया, ये 3 के तीनों जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दिए। ब्रेक डाउन कर दिए तो CH3CN है ना, माइनस के 3CH3CN जो हमने यहाँ पर ऐड किए थे ये वाले, वो फिर बेंजीन ने क्या किया, इसको हटा दिया, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से अच्छा एक मॉलिक्यूल रहे और उसी की एप्टासिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये मॉलिक्यूल जो है इसके साथ इन तीनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस केस में मालूम क्या हो जाएगा, इस केस में ऐसे बन जाएगा CR के साथ 1, 2, 3, और ये बेंजीन रहेगा ये η6 के साथ। ठीक है, बेंजीन जो है जिसकी एप्टासिटी η6 के रूप में यहाँ पर रहेगी, ये इस तरह से ये देखो। ठीक है, और ये यहाँ से बन गया आपका CO और ये CO। अब देखो इसके बाद, चलो मैं दूसरी एक रिएक्शन करवा लेता हूँ। सपोज दैट इसकी रिएक्शन हमने अब करा दी है PPS3 के साथ। ठीक है, 3 PPH3 से अगर हम रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, माइनस के 3CH3CN निकल जाएंगे, 3CH3CN यहाँ से निकलेंगे और बनेगा क्या प्रोडक्ट आपका, देखो CR के साथ 1, 2, 3 है ना, 1, 2 और 3 CO यहाँ बना देंगे आप, जो है क्या हो जाएगा आपका PPH3 और ये PPH3 और इस तरह से PPH3, ये प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन जाएगा। सपोज दैट आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन इथाइलिन से करा दो। इथाइलिन का मतलब जानते क्या होता है, इथाइलिन मीन्स होता है आपका आधा रिएक्शन जो है C2H4 के साथ कितने 3 मॉलिक्यूल लेंगे। ध्यान रखना, जब इस टाइप का कंपाउंड आपको दे रखा हो ना रिएक्टेंट के लिए, और ये आपके पास C2H4 केवल लिखा हो, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लेना कि आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, वैसे तो दे ही रखा होगा, नहीं तो आप समझ जाइएगा। और क्या निकालना है, माइनस के 3CH3CN मॉलिक्यूल निकालेंगे, और अब क्या बनेगा, तो हमें पता है कि एक एथाइलिन ग्रुप की η2 के स्टेट में अटैच होता है, η2 इसका एप्टासिटी η2 है। तो क्या होगा, देखो CR के साथ लगा दो, CR के साथ 1, 2 और 3, यहाँ थोड़ा सा सही ढंग से नहीं लग पाया, हाँ ये लग गया, तो ये हमने लगा दिया, यहाँ से लग गया ये, तो ये हमने एथाइलिन ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर क्या था, CO और CO। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इस रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शंस आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के रिएक्शंस की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इस पर आप अच्छी कमांड कर लेना, क्योंकि रिएक्शन से रिएक्शन का कुछ एक पार्ट छूट दिया जाता है। तो अभी इसके जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं इस चैप्टर के, उन्हीं पर बेस्ड मैं सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। और वीडियो चूँकि ज़्यादा लेंदी ना हो, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए चैनल के साथ, केमिकल गुरु के साथ। थैंक यू।